हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेडिसलिक क्रीम, जिसे भी फेस की प्रॉब्लम है, डार्कनेस है, या उसकी पिगमेंटेशन हो रही है, या आपके काला फेस हो रहा है, आपको गोरा फेस करना है, उसके लिए मैं आज मेडिसलिक फेस वॉश लेके आया हूँ। जिसे भी कहीं बाहर जाना होता है, वो आपका ऑयली ऑयली फेस रहता है, कालापन सा रहता है, टैनिंग सी रहती है, उस चीज़ के लिए ये मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं यूजेस की, साइड इफ़ेक्ट की और डोजेस की। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सो बात करते हैं इसे मेडिसलिक क्रीम की, ऑइंटमेंट की। ये आपको 20 ग्राम की है, मिल जाएगी आपको मार्केट में 150 रुपीज़ की है। आपको कम में भी मिल जाएगी, इसमें 100 रुपीज़ में भी, 120 में भी, 80 रुपीज़ में भी आपको ये मिल जाएगी मार्केट में। सो बात करते हैं मेडिसलिक की कंपोजिशन के बारे में, जिसमें होता है क्लोबेटासोल प्रोपिनेट होता है 0.05% होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड होता है 3%, जो कि इसमें ज़्यादा रहता है। इसके वजह से आपको ज़्यादा चेहरे पर फेयरनेस मिलती है, आपका फेस साफ होता है, और आपके डार्क स्पॉट जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं बिल्कुल। इससे चेहरा आपका बिल्कुल फेयर हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है ग्लोनेस सी आ जाती है, ग्लो भी हो जाता है। आपको यह हर एक मेडिकल पे मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बाहर आप ले सकते हैं इसको। अब लगाने का सही तरीका बताता हूँ। इसे लगाने का सही तरीका ये है कि आप इसे रात को लगाओ, दिन में ना लगाओ, और इसे लगा के आप सो जाओ, ना कि बाहर घूमो, आपके पार्टिकल्स मुंह पे आएंगे बाहर भी, और ना आपको आग के पास बैठना है, ना आपको काम करना है चूल्हे वूल्हे पे, किचन में भी कुछ काम नहीं करना है। मतलब इसे गर्म जो चीज़ होती है वो ना लगे फेस पे, जैसे धूप में गर्म होता है तो निकलना नहीं चाहिए इसे लगा के। इसका सही तरीका यही है कि आप रात को लगा के इसे सो जाओ, और सुबह उठो तो पानी से, आप ठंडे पानी से मुंह धो। जैसे आप शाम को सोते हो तो शाम को आप फेस वॉश करके धो सकते हो। मेडिसलिक का फेस वॉश भी आता है, उस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा अगली बार। तो आप इसे फेस वॉश कोई सा भी अभी यूज़ कर लीजिए, अगर मेडिसलिक का मिल जाता है तो मेडिसलिक का भी यूज़ कर लीजिए आप फेस वॉश, नहीं तो नॉर्मल कोई भी कर लीजिए, और रात को लगा के सो जाइए। रोज़ लगाइए इसे, कम से कम एक एक ट्यूब इसे रोज इस्तेमाल करिए, आपको खुद ही 15 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा। सो बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के। तो साइड इफ़ेक्ट इसका यही, अगर आप ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करेंगे, 2-4 महीने तक, तो आपको ये रिजल्ट दे तो देगा, फिर आपका साइड इफ़ेक्ट तब जब बेकार हो जाएगी। और आप इसे डॉक्टर की सलाह से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको बता देंगे आपके स्किन कैसी है, आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर दीजिएगा ये लेने से पहले। सो बात करते हैं अब आपके डोजेस की। तो बात मैंने बताई थी, डोजेस वही होता है, अगर आपके रिंकल्स हो रहे हैं तो आप वहीं जगह पे लगाना है जहाँ जहाँ आपके रिंकल्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको झुर्रियाँ पड़ रही है आपके चेहरे पे, जहाँ जहाँ काले काले स्पॉट्स हैं। अगर आपको फेयरनेस के लिए चाहिए तो आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं, आँखों को छोड़ के। सो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।